हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे वर्क सिंप्लीफिकेशन। आज का टॉपिक है वर्क सिंप्लीफिकेशन, जिसे आप हिंदी में कार्य सरलीकरण बोलते हैं। स्टूडेंट्स, सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल लर्निंग विद दिव्या मिश्रा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करना टॉपिक कैसा लगा है, मैं कैसा पढ़ा रही हूँ ज़रूर बताना मुझे। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्लियर दिखे। बहुत बच्चे कह रहे हैं मैम क्लियर नहीं दिख रहा है। प्लीज़ HD क्वालिटी में वीडियो देखिए, HD क्वालिटी में ही आपको क्लियर नज़र आएगा वीडियो। और जब आपके पास अच्छा नेट हो अवेलेबल, देन तब देखिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं बराबर यही आपसे बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है? तो हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कल हम सुबह 6:30 बजे मॉर्निंग में लाइव आ रहे हैं, ठीक है? मैं लाइव आऊँगी। आप लोगों से मैंने पूछा था तो कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं लाइव आऊँ मैं, तो जो लोग भी लाइव पढ़ना चाह रहे हैं वो प्लीज़ सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे आ जाएं। मैं कल पहली बार अटेम्प्ट करने जा रही हूँ, लाइव क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है? तो कल सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं 6:30 बजे। मोस्ट वेलकम, आप सभी आइए और लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द टॉपिक इज़ वर्क सिंप्लीफिकेशन, जिसे आप कार्य सरलीकरण बोलते हैं। अब जो मेरे बच्चे हिंदी के हैं, स्टूडेंट्स हिंदी के हैं, वो जो मैं बोल रही हूँ हिंदी में, नोट डाउन करते चलो। पेन ले लो एक, कॉपी ले लो एक, ठीक है? मैं हिंदी में ही समझाती हूँ, ये इंग्लिश मीडियम चैनल नहीं है, हिंदी मीडियम चैनल ही है। मैं हिंदी में ही समझा रही हूँ, बस मैं अपने नोट्स इंग्लिश में लिखती हूँ क्योंकि मैं इतनी अच्छी हिंदी पढ़ नहीं पाती हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है? तो मैं इसलिए इंग्लिश में लिखती हूँ, इंग्लिश में जल्दी समझा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको हिंदी में। तो आप लोग हिंदी में लिखिए और समझिए, ठीक है? प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ। सो वर्क सिंप्लीफिकेशन इज़ द कॉन्शियस सीकिंग ऑफ द सिंपलेस्ट, अर्लीस्ट एंड द क्विकेस्ट मैथड ऑफ डूइंग वर्क। ये निकिल और डॉर्सी के अकॉर्डिंग जो है कार्य सरलीकरण की परिभाषा है। इस परिभाषा को समझाने से पहले थोड़ा सा मैं अपनी लैंग्वेज में आपको कार्य सरलीकरण समझा देती हूँ। वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या है? वर्क सिंप्लीफिकेशन होता है कार्य को सरल बनाना, कार्य को सरल तरीके से करना, ईजी मेथड से करना, जिससे क्या हो सके, आपके टाइम की बचत हो सके, मनी की बचत हो सके, पावर की बचत हो सके, मतलब समय की, धन की, श्रम की बचत की जा सके, ठीक है? कार्य को ऐसे करना जिससे कि कार्य जल्द से जल्द हो जाए और ज़्यादा टाइम ना लगे और हमें थकावट भी महसूस ना हो, इसलिए कार्य सरलीकरण किया जाता है, ठीक है? वर्क सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। यदि किसी कार्य को हम बहुत ईजिली वे में कर देंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे, तो क्या होगा, हम ज़्यादा फटीग नहीं होंगे, ज़्यादा थकेंगे नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, मेंटल डिप्रेस नहीं होंगे। और मेनली जो है वर्क सिंप्लीफिकेशन किसके लिए अप्लाई किया जाता है? वुमेंस के लिए अप्लाई किया जाता है। क्यों वुमेंस के लिए अप्लाई किया जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा काम वुमेंस को होम्स में करना पड़ता है, ठीक है? होम्स में सबसे ज़्यादा वुमेंस को काम करना पड़ता है। लेकिन आजकल ये वुमेंस क्या है, आजकल के वुमेंस केवल होम्स में ही काम नहीं कर रही हैं बल्कि बाहर भी जाती हैं, जॉब भी कर रही हैं। तो उन्हें जॉब भी देखनी है और घर भी संभालना है, बच्चों को भी देखना है, घर भी संभालना है, किचन एरिया भी संभालना है। तो किस तरीके से वो क्या क्या यूज़ करके, ये वर्क सिंप्लीफिकेशन का यूज़ करके अपने कार्य को ईजी बना सकती हैं, इसलिए कार्य सरलीकरण पढ़ते हैं। इसलिए कार्य सरलीकरण जो है वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो निखिल डॉर्सी ने कहा है कि कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने के सबसे आसान, सबसे सरल और सबसे शीघ्र विधि को खोजना, सचेतापूर्वक खोजना। ऐसी विधि खोजिए, सबसे आसान विधि खोजिए, सबसे सरल विधि खोजिए, जिससे आप कार्य को जल्द से जल्द सरल संपन्न कर सकें। अब सबसे बढ़िया, हम कार्य सरलीकरण क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम बिना किताबों में सर मारने के बजाय यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, है ना? यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना हम टाइम बचा रहे हैं ना। कैसे बचा रहे हैं? अब हम बहुत सारी किताबें लाएं, सब सर्च करें, पढ़ें, तो हम यूट्यूब पे देख रहे हैं। यूट्यूब पे इतने सारे चैनल हैं, वहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, GK पढ़ रहे हैं, होम साइंस पढ़ रहे हैं, है ना? तो ये हम अपने लिए कार्य सरलीकरण कर रहे हैं, अपना समय बचा रहे हैं, अपना श्रम बचा रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट होने से बचा रहे हैं। सिमिलरली ऐसे हम होम में कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको, होम में किस तरीके से हम अपने वर्क को सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि कोई भी काम है उसको ईजी से ईजी मैथड यूज़ करें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल चटनी बनानी है, ठीक है? हमें धनिया की, पुदीना की चटनी बनानी है। तो पहले क्या मैथड यूज़ होता था? वो सिलवटा होता है, पत्थर होता है, उस पर हाथ से पूरा पीसते थे, है ना? हाथ से पीसते हैं चटनी को, तो उसमें कितनी एनर्जी वेस्ट होती है ना, कितना श्रम लगता है, कितना टाइम लगता है। पर आज क्या है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, तुरंत डाला मिक्सर में और चटनी 2 सेकंड 3 सेकंड मुश्किल से 2 मिनट मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा में चटनी आपकी तैयार हो जाती है।
तो ये मैंने ये एग्जांपल दिया है, यही सारे एग्जांपल्स इसमें आएंगे वर्क सिंप्लीफिकेशन में, किस तरीके से होम मैनेजमेंट के अंदर, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम वर्क सिंप्लीफिकेशन का यूज़ कर सकते हैं और कार्य को सरल बना सकते हैं। ठीक है, तो निखिल डॉर्सी ने क्या कहा है कि जितनी भी आसान और सरल और शीघ्र विधियाँ हों वो खोजिए और अपने कार्य को सरल बनाइए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स मैं क्या समझा रही हूँ? नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन, मतलब ज़रूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है और क्या क्या उद्देश्य हैं कार्य सरलीकरण के। देखो सबसे पहले तो टू सेव टाइम, समय की बचत होती है। दूसरा टू सेव एनर्जी, श्रम की बचत होती है। टू सेव पावर, जो शक्ति है ऊर्जा वेस्ट होती है उसकी बचत होती है। हेल्पफुल फॉर डिजीज वुमेन, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है अब महिलाएं होती हैं जो घर को संभालती हैं, सबसे ज़्यादा महिलाएं ही घर को संभालती हैं। ठीक है, वुमेन्स ही संभालती हैं, होम मैनेजमेंट वुमेन्स ही करती हैं। तो कुछ वुमेन्स ऐसी होती हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड भी होती हैं, जो तरीके किसी प्रकार से अपंग होती हैं, है ना, तो उनको क्या हम वर्क सिंप्लीफिकेशन के थ्रू हेल्प कर सकते हैं जिससे वो अपने कार्य को सरल बना सके। भाई काम तो उन्हें भी रोटी पकानी है, बर्तन धुलने हैं, तो वो क्या कर सकती हैं, मेड रख सकती हैं, है ना, मेड रख सकती हैं या अच्छे अच्छे इक्विपमेंट यूज़ कर सकती हैं, जैसे रोटी मेकर, आजकल तो रोटी मेकर आ रहा है, डो मेकर आता है, आटा मारने की मशीन आती है गूंथने की, है ना, चिप्स काटने की मशीन आती है, आपके रोटी सेकने तक की मशीन आने लगी है, रोटी मेकर आ गए, तो वो उसका यूज़ कर सकती हैं। या मान लीजिए वो नहीं है इतनी, उनके पास पैसा नहीं है, वो इन सब चीज़ों को नहीं खरीद सकती इक्विपमेंट्स को, तो वो क्या कर सकती हैं, वो मेड रख सकती हैं या किसी की हेल्प ले सकती हैं। ठीक है, दूसरी किस तरीके की औरतें होती हैं जो डिजीज़, जैसे कोई टीवी की पेशेंट है या कोई मलेरिया की पेशेंट है, किसी को बुखार भी है नॉर्मल, तो वो क्या करे, किस तरीके से जो है अपने वर्क सिंप्लीफिकेशन के मेथड्स को यूज़ करें और अपने कार्य को सरल बनाएं, और वो इतनी शारीरिक रूप से थकी हुई होती है, मानसिक रूप से बीमार होती है, तो कैसे वो जल्द से जल्द अपने काम को कर सकती है, तो उसमें हेल्पफुल होता है वर्क सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, देन इंटरेस्ट टुवर्ड्स वर्क सिंप्लीफिकेशन, मतलब कार्य सरलीकरण के संबंध में रुचि को जगाना, रुचि जागृत करना, लोगों में रुचि को जागृत करना। पहले क्या था कि अधिकांश महिलाएं दिन भर घर के कामों में लगी रहती हैं, फिर भी उनका काम पूरा नहीं होता है, तो उनको क्या करना है, वर्क सिंप्लीफिकेशन की जानकारी देनी है, दिन प्रतिदिन उनके कार्यों में जानकारी देनी है कि आप ऐसा कर करके जो है अपने काम को ईजी बना सकती हैं। जैसे खाना पकाना है तो खाना पकाने के लिए वो बैठ के खाना ना पकाएं, खड़े होकर के खाना पका लें। ठीक है, बर्तन धोने हैं तो बर्तन धोने के लिए पहले क्या करते थे लोग कि रसोई घर से बाहर एक अरेंजमेंट करते थे बर्तन धोने का, है ना, कोई आंगन में बाल्टी में पानी भरो, फिर एक एक बर्तन की झूठन साफ करो, फिर एक एक बर्तन को मांजो, राख का यूज़ करते थे और ईंटे का यूज़ करते थे। आजकल क्या नॉन स्टिक बर्तन है, यू शेप के जो है आपके बनाए जाते हैं, क्या बोलते हैं, किचन्स बनाए जाते हैं, एल शेप के किचन बनाए जाते हैं, जहाँ पर साथ में सिंक प्रोवाइड किया जाता है कि बर्तन साथ ही साथ धो लो, ऊपर ही जहाँ पे बर्तन आप धो रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि उसको पहले बर्तन को धोकर टब में रखो, फिर टब से उठाओ, फिर एक एक बर्तन को पोंछो, फिर जाल में लगाओ, डायरेक्ट सिंक के ऊपर जाल लगवा लो और बर्तन धोते जाओ, डायरेक्ट जाल में रखते जाओ, और क्या करो, बर्तन जो है हवा से सूख जाएंगे, आपको हाथ से पोंछने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आजकल जो है क्या होती है, आपके मशीन्स आ गई हैं, डिश वॉशिंग मशीन्स हैं, बर्तन धोने की मशीन्स हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती हैं या होटलों में यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहा है, ये सब कार्य सरलीकरण कर रहा है, वर्क को सिंप्लीफाई कर रहा है। क्यों कर रहा है, जिससे कि टाइम बच सके, एनर्जी बच सके, पावर बच सके, समय बच सके। सबसे समय क्या, आज 24 घंटे ही मिलने हैं हर आदमी को। ठीक है, चाहे वो कोई भी आदमी हो, उसे 24 घंटे ही मिलने हैं। 24 घंटे में उसको अपनी फैमिली भी संभालनी है, उसको अपने खुद को भी, खुद के लिए भी टाइम होना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम होना चाहिए, अपने बिजनेस के लिए भी टाइम होना चाहिए, जो प्रोफेशन वो ले रहा है, जो भी प्रोफेशन में है वो, उसको उसमें भी टाइम देना है, तो वो 24 उसको उसमें आराम भी कर रहे हैं, तो वो 24 घंटे वो कैसे मैनेज करे, वर्क सिंप्लीफिकेशन का यूज़ करे, अपने कार्य को जल्द से जल्द करे, सरल से सरल बनाए और ईजी वे में कर सके। ठीक है, तो अब हम कैसे इंटरेस्ट जगा सकते हैं, देखो मोटिवेशन करके, मोटिवेशन करके मतलब प्रेरणा पैदा करके। कैसे प्रेरणा पैदा करके, कि लोगों को, अब जैसे कुछ लोग हैं उनके विचार ढंग हैं कि नहीं हमें तो भाई चटनी जो है वो सिल की पिसी हुई ही अच्छी लगती है। ठीक है, दाल जो है अगर बड़े वगैरह बनते हैं तो दाल को भी सिल पे पीसते हो तो बढ़िया बड़े बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, करना किसको पड़ता है ये सारा काम, फीमेल सेक्शन को करना पड़ता है, मेल तो नहीं पीसता ना चटनी सिल पर बैठ करके। तो उनको मोटिवेट करो कि नहीं भाई ये बात आपने ठीक कहा, इसमें टेस्ट आता है, मशीन में आप पीसो टेस्ट वही आएगा, है ना,
तो इस चीज़ के लिए उन्हें मोटिवेट करो। दूसरी बात, उन्हें बाय फिल्म्स, जैसे जो अनपढ़ औरतें हैं उन्हें तो नहीं आती मिक्सी चलाना, भाई कैसे मिक्सी चलाएं हम, कैसे ये आपने उनको ख़रीद के दे दी, फॉर एग्जांपल चलो हमने उन्हें ख़रीद के दे दी कि भाई तुम इसका यूज़ कर लो, तो उन्हें नहीं आती तो क्या करें, फिल्म्स दिखाएं उन्हें, फिल्म्स के थ्रू उनको करके दिखाएं, डेमो दे करके दिखाएं, कार सरलीकरण की विधियां उन्हें फिल्म के तरीके से दिखाएं, जिससे वो देख करके क्या कर सकती हैं, जल्दी सीख सकती हैं, ठीक है। या कोई ऐड उनको दिखाएं उस कंपनी का कि देखो भाई ये ऐड आ रहा है इसका यूज़ कर सकते हैं, तो इसके थ्रू वो जो है अपने काम को सरल बना सकती हैं। मैगजीन्स, जो पढ़ने वाली औरतें हैं, पढ़ी लिखी औरतें हैं, वो मैगजीन्स पढ़ें, उसके थ्रू अपने वर्क को सिंप्लीफाई बना सकते हैं, जैसे हाथ से कपड़े धोने के बजाय वॉशिंग मशीन में धोएं, है ना, डेमो दे करके। तो यही चीज़, इस तरीके से हम जो है वर्क को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अपने कार्य को सरल बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस है, ये महत्व है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं जो कि कार्य सरलीकरण में यूज़ होती हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं? देखो दो टेक्निक्स होती हैं, फॉर्मल टेक्निक और इनफॉर्मल टेक्निक। फॉर्मल टेक्निक को हिंदी में बोलते हैं औपचारिक तकनीक, और जो इनफॉर्मल टेक्निक होती है उसे अनौपचारिक टेक्निक बोलते हैं, या पेन पेंसिल टेक्निक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेन पेंसिल टेक्निक, ठीक है, या क्या बोलेंगे, अनौपचारिक तकनीक, ठीक है। और एक कौन सी है? औपचारिक तकनीक, जिसे आप फॉर्मल टेक्निक बोलते हैं। तो फॉर्मल टेक्निक भी चार हैं और पेन पेंसिल टेक्निक भी चार हैं। अब ये इंग्लिश में भी ऐसी बोली जाती हैं, हिंदी में भी ऐसी बोली जाती हैं, जिसमें पहला है फॉर्मल टेक्निक में साइकिल ग्राफ मेथड, ठीक है, दूसरा है माइक्रो मोशन फिल्म एनालिसिस, स्टॉप वॉच टेक्निक या मेमो मोशन स्टडी, और आपके पेन पेंसिल टेक्निक कौन सी है? प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट, जिसे मार्ग चार्ट भी बोलते हैं, मल्टीमैन चार्ट। अब इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मल टेक्निक्स में ये बहुत डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा समझा देती हूँ। जो फॉर्मल टेक्निक्स जो हैं, औपचारिक तकनीक जो हैं, ये लेबोरेटरीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती हैं, इसका यूज़ घर में नहीं कर सकते, ठीक है। मेनली प्रयोगशाला में इसका यूज़ किया जाता है, लेबोरेटरीज़ में किया जाता है इसका यूज़, प्रयोगशाला में किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े टेक्निक्स, बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, इन टेक्निक्स में, औपचारिक तकनीक में, जो कि फॉर्मल टेक्निक्स है। फॉर्मल टेक्निक्स आपके प्रयोगशाला में यूज़ होने वाली टेक्निक्स है, इन्हें घर में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके आती है देखो साइकिल ग्राफ मेथड है, तो इस विधि में क्या करते हैं, फोटोग्राफी के यंत्र का यूज़ करते हैं, माइक्रो मोशन फिल्म है, इस विधि में कोई माइक्रो मोशन फिल्म का यूज़ करते हैं, स्टॉप वॉच टेक्निक है, स्टॉप वॉच टेक्निक में क्या करते हैं, कुछ मिनट्स का टाइम दे दिया, स्टॉप वॉच होती है और उसमें आदमी काम कर रहा है उसकी गतिविधियों को जांचा जाता है ना। स्टॉप वॉच तो हम लोग अपने मोबाइल में भी यूज़ करते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं। मेमो मोशन स्टडी है, मेमो मोशन स्टडीज़ में भी देखो क्या करते हैं, किसी भी कार्य के में जो भी समय व्यय हो रहा है उसको नापने के लिए समय उपकरण का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो समय उपकरण का यूज़ करके मेमो मोशन स्टडीज़ की जाती है। तो ये सब तुम्हारे बड़े बड़े लेबोरेटरीज़ में किया जाता है। अब प्री पेंसिल टेक्निक जो है, पेन पेंसिल टेक्निक, ये हम होम में यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट, मल्टीमैन चार्ट, जिसमें प्रोसेस चार्ट में क्या करते हैं, दो लोग होते हैं तो एक क्या करता है वो काम करते हैं, और एक व्यक्ति क्या करता है उसको ऑब्जर्व करता है कि भाई ये कैसे काम कर रहा है, इसका कितना टाइम वेस्ट हुआ, कितनी एनर्जी वेस्ट हुई किसी काम को करने में, ठीक है। सिमिलरली ऑपरेशन टेक्निक भी ऐसे ही होती है, इसमें भी प्रत्येक चरण का अध्ययन करते हैं कि भाई उसने कैसे कर, प्रत्येक प्रोसेस चार्ट में एक एक चरण का अध्ययन करते हैं। ऑपरेशन चार्ट में क्या करते हैं, आपके हाथों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कि उसने हाथ से कितना काम किया, ठीक है। मल्टीमैन चार्ट में क्या करते हैं, इसमें इस चार्ट का प्रयोग उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जो एक ही समय में दो या दो से अधिक व्यक्ति करते हैं, इसके लिए मल्टीमैन चार्ट है, इसमें ज़्यादा लोग यूज़ होते हैं, ज़्यादा लोग काम करते हैं। और जो पाँचवें चार्ट है, इसमें क्या करते हैं, जिस घर में काम हो रहा होता है उस घर का नक्शा बना लेते हैं एक चार्ट के ऊपर, और फिर जो आदमी उस घर में काम कर रहा होता है उसको देखते हैं कि भाई वो इस पॉइंट से इस पॉइंट गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट गया, तो उसने कैसे काम किया, वो पॉइंट्स उसके नोटेड करते चले जाते हैं, ऐसे ये चार्ट होते हैं। इतना डीपली इसमें पूछा नहीं जाएगा लेकिन मैं समझा देती हूँ। चलो नेक्स्ट है फॉर्मल, इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरीज, पेन पेंसिल इट इज़ यूज्ड इन होम्स एंड इट इज़ आल्सो नोन एज फॉर्मल टेक्निक। वही बात है, जो फॉर्मल है, औपचारिक है, वो लेबोरेटरी में यूज़ होती है, पेन पेंसिल टेक्निक आपकी घरों में यूज़ करने वाली तकनीक है। अब मुंडेल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा है, 5 levels बताए चेंजेस के, ठीक है, किस चेंज के, कि कार्य में परिवर्तन के उन्होंने 5 changes बताए, 5 तरीके बताए कि 5 तरीके से जो आप है अपने क्लासेस ऑफ चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन वर्ग उन्होंने 5 बताए। कौन कौन से बताए, चेंज इन बॉडी पोजिशन, नंबर एंड टाइप्स ऑफ मोशन, कि आप जो है अपनी बॉडी की पोजिशन में चेंजेस करिए, और जो आप
काम कर रहे हैं उसकी गति में परिवर्तन करिए। चेंजेस टूल, वर्किंग अरेंजमेंट, इक्विपमेंट, जो आप यूज़ कर रहे हैं टूल्स, जो भी आप उपकरण यूज़ कर रहे हैं उनमें परिवर्तन करिए। चेंज इन प्रोडक्शन सीक्वेंस, जो भी आप बना रहे हैं चीज़ उसको बनाने के क्रम में परिवर्तन कीजिए। चेंज इन फिनिश प्रोडक्ट, अब जो आपने चीज़ बना ली उसको आप सर्व भी तो करेंगे, उसको करने के तरीके में परिवर्तन करिए। चेंजेस रॉ मटेरियल, जो आप कच्चा पदार्थ यूज़ कर रहे हैं खाना बनाने में उसके परिवर्तन को उसमें परिवर्तन करिए। ये मैं भी समझाऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है, डोंट वरी। तो निक ग्रॉस क्रैंडल ने क्या किया, ग्रॉस क्रैंडल ने क्या करा, इनके इन पांचों को कंबाइंड करके तीन में कन्वर्ट कर दिया। वो बोले पांच की ज़रूरत नहीं है, तीन से ही काम बन जाएगा। ग्रॉस क्रैंडल ने मुंडेल के पांच जो थे क्लासेस ऑफ चेंजेस, परिवर्तन वर्ग, उनको तीन में बता दिया। तीन क्लासेस ऑफ चेंजेस उन्होंने बताया, जिसमें सबसे पहला उन्होंने बताया चेंजेस हैंड एंड बॉडी मोशन, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन करो। कैसे परिवर्तन करो, जैसे काल सरलीकरण का सबसे अच्छा तरीका है शरीर की अवस्था में परिवर्तन, शरीर की गति में कमी लाना, आपको ज़्यादा चलना ना पड़े, ठीक है, आप उसमें कमी लाइए, शरीर की गति में कमी लाइए। कैसे कमी लाइए, जैसे आप बैठकर खाना बना रहे हैं तो खड़े होकर के खाना बनाओ तो क्या होगा, गति में कमी आएगी। उस दूसरी बात, दूसरे हाथ से प्लेट्स उठाओ, झाड़ू लगाने में दोनों हाथों से प्लेट्स को उठाओ, एक हाथ से प्लेट्स को मत उठाओ, ठीक है। बिस्तर तैयार कर रहे हो आप तो बिस्तर को एक गति, कम गतियाँ तैयार करनी पड़े, एक ही बार में चादर बिछाओ और बेडशीट को प्लेन कर लो और तकिया कवर वगैरह बिछा लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी गतियों में कमी लाओ। तो आप गतियों में कमी कैसे ला सकते हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं, कैसे ला सकते हैं, क्रियाओं में कमी करके। क्रियाओं में कमी करके मतलब जो आप स्टेप ले रहे हैं काम करने के लिए उनमें से कुछ स्टेप्स को एलिमिनेट कर दो। फॉर एग्जांपल कैसे एलिमिनेट कर दो, अब तुम दो सब्जियां बना रहे हो तो दो सब्जियों के लिए मसाला एक ही बार में भून लो, एक ही बार में मसाला तैयार कर लो। सैलड काट रहे हो, ठीक है, सैलड काट रहे हो, चलो मान फॉर एग्जांपल दो सब्जियां आपने बनाई, तो आप प्याज काट रहे हो तो सैलेड के लिए भी प्याज उसी टाइम पर काट लो, ये नहीं कि बाद में सैलेड के लिए प्याज आप छील रहे हो। तो इसमें क्या होगा, स्टेप्स, एलिमिनेशन ऑफ स्टेप्स, क्रियाओं में कमी करो। अब दो बार करोगे ना, प्याज को दो बार काटोगे ना, तो पहली बार में ही काट लो, सैलेड के लिए भी काट के रख लो और मसाला बना रहे हो दो सब्जियों का एक साथ बना करके रख लो, है ना। इसके अलावा हरी धनिया, हरा मिर्च, टमाटर जो है वो एक प्लेट में धोने की बजाय जब सब्जी बना रहे हैं डायरेक्ट उसी में काट लो। इन्होंने ऐसा बोला है कि ऐसा कर लो, हरी मिर्च हरा धनिया डायरेक्ट सब्जी में ही काटो। अब पहले उसे एक प्लेट में काटो, फिर प्लेट से उसे सब्जी में डालो, तो उसमें क्या ये बता रहे हैं कि टाइम और एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, तो इकट्ठा डाल रो। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो बर्तन धो रहे हैं आप, बर्तन धोने में क्या कर रहे हैं आप, बर्तन धो रहे हैं तो बर्तन धोने के लिए जैसे सेकंड है कार्य को प्रभावशाली क्रम, दैनिक दिनचर्या में सुधार। अब कार्य का प्रभावशाली क्रम क्या है कि एक सीक्वेंस में काम होना चाहिए। जैसे चावल है, दाल चावल है, पहले बीनते हैं फिर धोते हैं, ऐसा थोड़ा ही कि पहले धो लेते हैं फिर बीनते हैं, फिर तो बहुत टाइम एनर्जी वेस्ट होगी, है ना। सब्जियां क्या है, सब्जियों को पहले आप धो लीजिए फिर उसको काटिए। अगर आप सब्जी को धो के वो काटने के बाद धुलेंगे तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स भी बर्बाद होते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि सब्जी छोटी छोटी रहती है, वेस्ट भी होती है, है ना। तो पहले कच्ची सब्जी को धो लो फिर उसको काटो। दैनिक दिनचर्या में सुधार करो, दैनिक दिनचर्या में सुधार कैसे कर सकते हैं कि आप जो आपके डेली रूटीन्स हैं उसमें चेंजेस लाओ। कैसे चेंजेस लाओ, अब फॉर एग्जांपल आपको बच्चों के लिए लंच प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो लंच प्रिपेयर करना है तो उनका लंच बॉक्स जो है, वाटर बॉटल जो है वो डेली लेके जाते हैं, वो एक जगह ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे डायरेक्ट आपको तुरंत मिल जाए। आप उनके लिए पराठा बना रहे हो, पराठा बना के आप उसको कैसरोल में मत रखो, डायरेक्ट उनके टिफिन में रैपिंग पेपर में पैक करके रख दो, ठीक है ना। आप पहले कैसरोल में रखोगे, फिर कैसरोल से निकालोगे, फिर उनके टिफिन में रखोगे, तो ऐसा मत करो, अपने डेली रूटीन्स में चेंजेस लाओ। थर्ड क्या करो, चेंज इन वर्क स्टोरेज एंड स्पेस, जो आप वर्क स्टोरेज एंड स्पेस इक्विपमेंट्स, कार्य संग्रह स्थल और उपकरणों में परिवर्तन करो। कैसे करो, अब जो आप कार्य कर रहे हो उपकरणों के बर्तन है, मान लो बर्तन उठाने के लिए आप ट्रे का यूज़ करो, धूल आदि साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करो, मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ करो, वॉशिंग मशीन का यूज़ करो, फ्रिज का यूज़ करो, है ना। इन सब चीज़ों से क्या होगा, इन सब चीज़ों से आपकी जो गति है, जो शरीर की एनर्जी है वो कम वेस्ट होगी, ठीक है। स्टोरेज के लिए क्या करो, अब फॉर एग्जांपल आपने शेल्फ बनवा दी है बाहर कहीं पे, डाइनिंग हॉल में बनवा दी है, ठीक है, या बैठक में बनवा दी है, काम आप कर रहे हैं किचन में, अब बार बार आप डिब्बे लेने किचन से अपने बैठक में आ रहे हैं या बर्तन लेने आप किचन से बैठक में, तो ऐसा नहीं, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, किचन का काम कर रहे हो तो किचन में ही स्टोरेज बनवाओ, स्टोरेज शेल्फ लगवाओ जहाँ पे आपने डिब्बे स्टोर करके रखने हैं। ऐसा नहीं कि, या फॉर एग्जांपल मिक्सी चलाने के लिए स्विच है ही नहीं किचन के अंदर, है ना, आपने मिक्सी चलानी है तो एक जगह किचन में कुछ सेट कर दो कि इसी जगह पे मिक्सी रखी रहेगी, बस तुरंत स्विच ऑन करना है, मिक्सी चला लेनी है। वैसा नहीं, मिक्सी चलाने के लिए हम कहीं और जा रहे हैं
है ना। तो वॉशिंग मशीन चलानी है तो जहाँ पे लॉन्ड्री का सिस्टम है, वॉशिंग मशीन रखी हुई है, जहाँ कपड़े सुखाने हैं वहीं पर वॉशिंग मशीन रखो, तुरंत कपड़े सुखा दिए, वहीं धुले, वहीं पर डाल दिए सूखने के लिए। तो ये सब चीज़ें करके अपने वर्क को सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, ठीक है। लास्ट है चेंजेस इन द प्रोडक्ट, उत्पादन में परिवर्तन करो। कैसे उत्पादन परिवर्तन करो? अब जो लेडीज़ वर्किंग है, ठीक है, मटर छीलनी है तो छिली हुई मटर को छीलने के बजाय जो छिली हुई मटर बाजार से आ रही है उसका यूज़ करो, है ना। या आपके बना बनाया फूड आ रहा है उसका यूज़ कर सकते हैं आप, है ना। इसके अलावा आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं तो पिकनिक पे आप वैसे बर्तन ले जाने के बजाय क्या यूज़ करो? डिस्पोजेबल का यूज़ करो, डिस्पोजल बर्तन लेके जाओ जिनको साफ भी ना करना पड़े, है ना। इसके अलावा मेज पोश बिछाने के बजाय प्लास्टिक का मेज पोश यूज़ करो, क्योंकि मेज पोश जब मेज पर बिछाते हैं खाना वगैरह गिर जाएगा तो वो गंदा हो जाएगा कपड़े का, तो प्लास्टिक का मेज पोश यूज़ करो। और क्या कर सकते हैं आप? आलू आपको बनाने हैं, आलू की सब्ज़ी बनाने का मन है तो कच्चे आलू छीलने के धोने के बजाय आलू को उबाल के बना लो, है ना। स्वीट डिश के स्थान पर फलों का यूज़ कर लो, चपाती के स्थान पर जल्दी जल्दी पूड़ी सेक लो कि भाई चपाती बनाने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारे लोग हैं तो पूरियां उतार लो फटाफट। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप जो हैं अपने वर्क को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इनके कहने का मतलब ये है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक समझ में आया? हम क्या बताना चाह रहे हैं, मेंडल ने 5 पॉइंट्स बताए थे, ग्रॉस क्रंडल ने क्या करा, उन्हें 3 में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहला कि अपनी गतियों में परिवर्तन करो, जो आप कर रहे हो ज़्यादा गति ना लेना पड़े, आपको इधर से उधर चलना ना पड़े, इसमें चेंजेस लाओ। दूसरा क्या करो कि वर्क स्टोरेज और उपकरणों में परिवर्तन करो, जो भी तुम काम कर रहे हो जहाँ जो एक उपकरण आपको यूज़ करना है वो वहीं रखो, वहीं पर यूज़ करो, ऐसा नहीं कि उठा के ले जाना पड़ रहा है कहीं और फिर ला करके आपको रखना पड़ रहा है, इसमें भी आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा। तीसरा, उत्पादन में परिवर्तन करो। कैसा उत्पादन परिवर्तन करो? कि हरे मटर छिरी छिलाई मिल रही है वो ले आओ, या डोसे का इडली का बैटर बना बनाया मिल रहा है वो ले आओ और आकर के बनाओ और खाओ पियो मस्त रहो। समझ में आया टॉपिक? कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं रैप अप कर रही हूँ, वर्क सिंप्लीफिकेशन मुझसे कहा था बच्चों ने पढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने पढ़ा दिया है, फटाफट से समझा दिया है। सो बाय स्टूडेंट्स, सुबह मॉर्निंग में मिलेंगे 6:30 बजे। याद रखना, फर्स्ट टाइम लाइव क्लास लेने जा रही हूँ मैं, सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आना आप लोग और लाइव क्लास ज्वाइन करना। ओके, बाय बाय, कीप इट अप, गुड गोइंग।